मुरसली, कोई नहीं, कोई नहीं। लिखा हुआ अनालव मदीना और मुझे देखे आ गया फ्रेम जिसपे लिखा अगानिस्तान के बाद आ गया था ये अजवा आइसक्रीम यहाँ पे टर्किश जो कुजीन होती है वो थी वही मुझे यहाँ पे ज्यादा नजर आए थे असलमकुम कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को जो मदीना फ्रेम है वो दिखाऊंगी पूरा विज़िट करवाऊंगी स्ट्रीट और साथ में मैं आपको लोकेशन भी बताऊंगी तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये देखें ये मैं अपने फेवरेट रेस्टोरेंट जो कि मदीना है जिसकी वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ शेयर की थी वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इस होटल से खाना खाने गई थी लिटरली मैंने यहाँ पे दिन में चार दफ़ा गई थी तो मतलब किसी को खिलाना हो तो यहाँ लेके जाती हूँ खुद खाना हो तो यहाँ लेके जाती हूँ सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना रात का खाना उसके अलावा चाय भी इनकी करक चाय भी बहुत अच्छी होती है तो चलेंजी हम लोगों ने असर की नमाज पढ़ी थी उसके बाद ये देखें ये वापसी का सफ़र होता है माशाल्लाह नमाज के बाद बहुत ज्यादा रश था और आजकल तो बहुत ही ज्यादा रश है कोई नहीं तुझसा कोई नहीं मुर्सली तुझसा कोई नहीं कोई नहीं ए रसूल आमी खातमल मल मुर्सली तो चलें जी उसके बाद फिर से उसी रेस्टोरेंट में मैं अपनी आंटी को लेके गई थी उनको वहाँ से खाना खिलाने के बाद धर्म में छोड़ने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे ये गेट नंबर थ्री थर्टी नाइन है जो कि सामने अगर मस्जिद नबवी का अंदर मस्जिद का गेट देखा जाए तो लेडीज़ का ट्वेंटी सिक्स गेट है और बाहर का थ्री थर्टी नाइन है तो उसके सामने ही है मदीना फ्रेम जिसमें लिखा हुआ है अना लव मदीना और बहुत से लोग वहाँ पर तस्वीरें भी उतरवाने आते हैं और वहाँ पे एक फ़ूड स्ट्रीट टाइप बनी हुई है बैठने की भी बहुत अच्छी जगह है तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं उसका एक व्लॉग बनाऊँ और आप सबके साथ शेयर करूँ तो ये हम लोग उस गेट से निकले हैं और सीधा आए हैं तो ये सबसे पहला एक फ्रेम है यहाँ पे भी लोग बहुत ज़्यादा पिक्चर्स वग़ैरह उतरवाते हैं मैंने तो अभी तक नहीं उतरवाई क्योंकि रश इतना ज़्यादा होता है तो आपको वेट करना पड़ता है तो उसके बाद यहाँ पे साइड्स पे काफ़ी अच्छे फाइव स्टार होटल्स भी हैं और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत गहमा गहमी थी बहुत ज़्यादा रश था और सामने से देखें माशाल्लाह ये हरम की जो नज़र आती है रोशनी इतनी अच्छी लगती है ना और ये देखें यहाँ पे ये फोटोग्राफ़र्स भी हैं जो आपको पिक्चर्स उतार के देते हैं और मैंने इनसे पूछा था तो ये कह रहे थे कि फ़िफ्टीन रियाल की आपको दो पिक्चर्स देंगे और ये देखें ये आ गया फ्रेम जिस पर लिखा हुआ है अना लव अलमदीना तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लगता है इसमें पिक्चर आती है तो पीछे आपका जो मस्जिद मस्जिदनबवी है उसके भी आपको व्यू आता है तो चलें उससे आगे अब मैं हम आ गए थे जो यहाँ पे फूड स्ट्रीट बनी हुई है जिस पे फ़ूड के जो कार्ड्स हैं वो बने हुए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले ये फ्रेश जूस आया था उसके बाद अफ़ग़ानिस्तान फूड आया था मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी और साथ मुझे जहाँ मौका मिला मैं आपको उनका मेन्यू भी शेयर करूँगी तो अफ़ग़ानिस्तान के बाद आ गया था ये अजवा आइसक्रीम यहाँ पे अजवा खजूर थी और उस तरह की मुख्तलिफ तरीक़ों की आइसक्रीम्स थी तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ ये थी उसके बाद ये आप थोड़ा सा ये मेन्यू देख लें इनके पास क्या क्या चीज़ें हैं उसके बाद यहाँ पे है ट्रेसिस ऑफ मदीना तो यहाँ पे मैं गई थी तो यहाँ पे एक तरह से मदीना की जो मशहूर चीज़ें हैं वो यहाँ पे थी रियादुल जन्ना का जो कारपेट है वैसा आपको जाय नमाज़ थी और काफ़ी इनकी मुझे प्राइस जो है वो ज़्यादा लगी थी तो आप में से कोई अगर इन चीज़ों का शौकीन और वो लेके जाना चाहे तो वो यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे डिफरेंट ऊद भी पड़े हुए थे और डिफरेंट तरह की जो खुशबू होती यहाँ की वो भी थी उसके बाद हम आगे हैं तुर्कियाज फूड पे तो यहाँ पे टर्किश जो कुज़ीन होती है वो थी और मैंने यहाँ से अपना फेवरेट नाफ़ा लिया था जो कि मुझे फिफ्टीन रियाल का एक बॉक्स मिला था उसके अलावा इनके पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी तो ये मैंने कुनाफा जो यहाँ का नज़र आ रहा है ये मैंने लिया था कावे भी थे डिफरेंट तरह के जिनको टर्की फूड पसंद है तो उनको वो जगह बहुत ज़्यादा पसंद आएगी उसके बाद ये है मदीना गुडनेस और यहाँ पे भी आइसक्रीम थी कौन थी जो मदीना में होती है और उसके बाद हम लोग आगे हैं मलेशिया फ़ूड पे और यहाँ पे मलेशियन फूड था जो मलेशिया के आए हुए थे उम्र ज़ायरीन वही मुझे यहाँ पे ज़्यादा नज़र आए थे और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेशनरी का एक ये लगा हुआ था स्टॉल कह लें आप तो यहाँ पे आपको कुरान पाक और आदि इसकी काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी उसके बाद हम लोग आगे हैं इटालियन फूड जो कि मुझे बहुत टैंपिंग लगा और उसके बाद मुझे हुआ कि मैं यहाँ से कुछ टेस्ट कर लेती तो आपको पता है कि इटली इत, का जो ये है पिज्ज़ा और ये चीज़ें यहीं की मशहूर हैं तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था उसके बाद हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट इंडोनेशियन फूड पे उसके बाद आता है चाइनीज़ फूड और उसके बाद ये आता है रोमा यहाँ पे भी इसी तरह की आपको जाए नमाज जन्ना का कारपेट इस तरह की चीज़ें आपको मिल जाएगी उसके बाद नेक्स्ट था इंडियन फूड और यहाँ पे आपको स्पाइसी फूड मिल जाएगा इंडियन जिसमें कौरमा वेजिटेबल राइस चपाती या आपको कॉम्बोज भी बड़े मिल जाएंगे इन्होंने डील्स लगाई हुई थी उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एशिया क्रीम और यहाँ पे आइसक्रीम्स थी जो कि आइसक्रीम फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड मेड इन मदीना जैसे के नज़र आ रहा है उसके बाद हम लोग आ गए थे मुनाफ़ा एंड सऊदी फ़ूड पे यहाँ पे कुनाफा और सऊदी का फूड था उसके बाद ये राइट साइड की मैंने आपको दिखाई थी तो उसके बाद ये जब ख़त्म होती है तो यहाँ से इनकी कॉफी के कुछ शॉप्स और आउटलेट्स थे काफ़ी जो यहाँ के फेमस हैं तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा रश था और माशाल्लाह यहाँ पे सिटिंग भी बहुत अच्छी बनी हुई है और इसी रोड से अगर आप सीधा जाएंगे तो आप टॉप टेन और मजाया मॉल चले जाएंगे हो हो रसूल तुझा कोई नहीं उसके बाद यहाँ पे ये स्टैंड्स लगे हुए थे क्रीम बाइक के तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा यहाँ पे और भी काफ़ी जगहों पे लगे हुए थे तो मैंने सोचा मैं शेयर करूँ कि यहाँ पे आपको ये बहुत बड़ी फैसिलिटी हो गई है कि जो आता है बंदा और उसके पास ना गाड़ी होती है तो वो अगर उसने मदीना कहीं भी जाना हो तो वो किस तरीके से जाए तो ये इन्होंने बहुत अच्छी ऑप्शन निकाली है क्रीम बाइक्स की जो कि आपके पास ऐप होगी और आप इससे क्यू आर स्कैन करेंगे ये अनलॉक होगी और आप इसको लेकर जाएंगे और पर मिनट या पर किलोमीटर का इसमें होगा हिसाब और आप जहाँ से भी होके आना चाहे आप होकर आएंगे और वापसी आकर आप इसको पार कर देंगे तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी है तो अगर आप में से कोई जाता है और कोई आगे कहीं जाना चाहता है तो वो इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकता है और जगह जगह पे मैंने इसके हरम के करीब स्टैंड्स देखे हैं तो उसके बाद अब हम लोग आ गए राइट साइड पे और यहाँ पे भी कुछ रेस्टोरेंट्स थे बहुत अच्छे और अब यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है और उसके बाद ये एक रोड आती है जो कि राइट साइड पर आ और आप सीधा जाएँगे तो मेरा फेवरेट अहाबुलमदीना रेस्टोरेंट आपको नज़र आएगा तो आप वहाँ पर जाइएगा और खाना ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा तो चलें उसके बाद हम लोग आए हैं रोड क्रॉस करके आगे अब हम हरम की तरफ जा रहे हैं वापस तो यहाँ पे हेल्प सेंटर है मदीना से रिलेटेड ज्यारत से रिलेटेड कुछ भी आपने पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं उसके बाद हम लोग ये आगे आए हैं तो अब हम लोग जा रहे हैं हरम तो ये थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मिलती हूँ मैं आपको अपनी ही किसी नेक्स्ट ऐसी वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़